हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेलाडोना। वेलकम बैक। सो आज मैंने एक ये लेपर्ड प्रिंट इंस्पायर्ड आई मेकअप लुक क्रिएट किया है और ये बहुत इजी है क्रिएट करना, कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है। सो इफ़ यू एज वॉन्ट टू नो कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल दी एंड। एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर गॉर्जियस गॉर्जियस फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और मैं सबसे पहले कंसील कर रही हूँ अपनी आईज़ को, बिकॉज सबसे पहले हम अपना आई लुक क्रिएट करेंगे। मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया है और मैंने फिर इसी वाले कॉम्पैक्ट से सेट भी कर लिया है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आफ्टर दैट मैं एक बहुत लाइट पीची ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपने क्रीज से ऊपर इसको अप्लाई कर रही हूँ विंडशील्ड वाइपर मोशन में। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड लेकर मैं अपनी क्रीज को डेप्थ दे रही हूँ और इसके बाद एक क्लीन ब्रश से मैं इसको ब्लेंड करूँगी उसकी एजेस को। देन उससे भी ज़्यादा सबसे डार्केस्ट ब्राउन शेड लेकर मैंने अपनी जो नेचुरल क्रीज है उसमें ब्लेंड किया है, सो दैट वो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए। देन उसके बाद मैं एक ईयरबड में मैंने माइसलर वाटर लेके इसको क्लीन कर लिया अपने लिड को और उसके बाद मैं कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। आप इस तरह से कट क्रीज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप अपने लिड पर कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं और उसको फिर आप अपनी जैसे लिड्स को ओपन करेंगे तो वो ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो आपको इस तरह से ईजी रहेगा अपनी जो कट क्रीज की एजेज हैं उनको डिफाइन करना। सो आई हैव हुडेड आइज, तो मुझे कट क्रीज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं तो आप अगर कट क्रीज यूज़ करेंगे अपने आँखों में तो आपका जो आई लुक है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। मुझे पर्सनली कट क्रीज मेकअप लुक पसंद नहीं है, बट फॉर हुडेड आइज़ ये एक टिप समझ लीजिए आप उस तरह की कि अगर आप इस तरह से कट क्रीज क्रिएट करेंगे तो आपकी जो आइज़ हैं, आपका जो आईलिड का स्पेस है, आपके जो ब्रो और लिड के बीच में जो स्पेस है, वो आपको थोड़ा इल्यूजन क्रिएट होगा उस तरह का कि आपके जो आईज़ हैं वो लिड स्पेस है जो बहुत बड़ा है। और उसके बाद थोड़ा डेप्थ और ज़्यादा देने के लिए मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेकर अपनी एजेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। देन आपने अप्लाइड कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और सेट कर लीजिए कॉम्पैक्ट पाउडर से। देन यहाँ में मैंने प्रिंट्स बनाने के लिए एक येलो टोन कंसीलर लिया है, सो इस ब्यूटी का कंसीलर है। और आप अपने लिड स्पेस पे रैंडमली इस तरह से आप प्रिंट्स, डॉट्स, इरेगुलर बाउंड्रीज वाले डॉट्स बना सकते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको और आप कहीं भी बना सकते हैं, मतलब सिमेट्रिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं एक ब्लैक लाइनर से उन प्रिंट्स को, मतलब उस पर एक ब्लैक बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हूँ लाइक इरेगुलर, उसमें भी आपको स्पेसिफिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो आई लुक्स होते हैं वो आप बहुत इत्मीनान से कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। और इसके बाद मैंने एक विंग लाइनर अप्लाई कर लिया है, ज़्यादा विंग नहीं है, एक नॉर्मल सा विंग लाइनर अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैंने एक बेला वोस्टिका वाइट लाइनर लिया है और जो मेरी कट क्रीज की जो इनर वाली एज है मैं उस पर अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट टू गिव इट अ क्रिएटिव लुक, मतलब जस्ट टू गिव इट अ वाइट एलिमेंट मैंने ये यूज़ किया है। देन आई एम फिलिंग माई ब्रोज ओवर हियर और उसके बाद मैं कंसीलर से अपने जो ब्रोज को हैं वो डिफाइन कर रही हूँ, सो दैट बहुत ही अच्छा सा क्लीन लुक आए। और सेम ही कंसीलर को मैं अपने अंडर आईज और जो लाइनर है उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मुझे कंसीलर की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लूँगी।
about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. उसके बाद आप इस तरह का ब्रश लेकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए. यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ मत कीजिए बिकॉज यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. मतलब इस वाले स्पेस पर आपको यही वाला ब्रश यूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद मैंने ब्लैक लाइनर जो हाफ मेरा जो एज वाला क्रीज है उस पर अप्लाई कर लिया है मैंने ब्लैक लाइनर को. और मैं अपने सारे जो कंसील्ड एरियाज हैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और फिर कॉम्पैक्ट से मैं सेट भी कर लूँगी. सो हियर इज़ अ टिप फॉर यू गाइज. जब भी आप अंडर आई कंसीलर ब्लेंड करते हैं या फिर उसको अंडर आई सेट करते हैं तो हमेशा आपको ऊपर देखना है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं केकिंग और क्रीजिंग को. और अपने नेक पे भी अप्लाई करना मत भूलिए. देन मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने लोअर लिड को पर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद लाइट ब्राउन शेड लेकर स्मोक आउट कर रही हूँ. और मैंने फिर यहाँ पे वाइट एंड वाइल्ड की न्यूड आई पेंसिल लेकर अपने लोअर वाटर लाइन में अप्लाई कर ली है जस्ट टू मतलब ताकि मेरी आईज़ वाइड लगें. और मैंने सेम ही वाइट लाइनर लेकर अपने जो विंग लाइनर है उसके नीचे अप्लाई किया है जस्ट विंग वाले एरिया पे. देन मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ और ब्लश अप्लाई कर रही हूँ इस वाली पैलेट में से. और उसके बाद मैंने सेम ये जो ब्रॉन्ज ब्लश हाइलाइटर है वो मैंने सेम ही पैलेट में से लिया है. अपनी नोज़ को भी ब्रॉन्ज कर रही हूँ थोड़ा सा. देन मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया है और लिप लाइनर अप्लाई किया है और लिपस्टिक और लैशेस भी अप्लाई कर लिया है. हियर इज द फाइनल लुक. So guys, if you like this video, then please like this video, share this video and please subscribe to my YouTube channel. अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो. And thank you so much. Bye bye. Take care.